फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो आज की रेसिपी क्या है आप देखिएगा, और अगर पसंद आती तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो। तो ये देख सकते हैं गाइस, आज की जो रेसिपी है वो बहुत अमेजिंग है। बिना टमाटर की तो नहीं बनती है, तो हम बनाने जा रहे हैं बिना टमाटर के। तो ये दो प्याज ले लिए हैं और 5 से 6 कली लहसुन की ले ली है, उनको पीस लिया है आपस में। और ये ले लेंगे अपना एक बड़ा बर्तन और ले लेंगे स्ट्रेनर, छन्नी छानने वाली। तो यानी आज हम बेसन से बहुत अच्छी सी बेसन की सब्जी बनाने वाले हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ की हरी सब्जियां खा खा के हम परेशान भी हो गए। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो महंगाई में कुछ ऐसा ही क्यों ना करें कि जिससे कि हम अपने घर में कुछ अलग सा बनाकर खाएं। तो ये देखिए, इस तरह से बेसन को छान लिया है। अब पानी के हल्के हल्के से छींटे दे रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें छींटे देने। तो अभी देखिएगा जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। ये देखिए, बस सेम प्रोसेस इसी तरह से करना है। ये देखिए, अब इस तरह से इसको हम छान लेंगे, यानी जो इसमें गांठें बन गई होंगी वो हमारे स्ट्रेनर में रह जाएंगी और जो बेसन है वो ये देखिए निकल कर आ जाएगा। उसको सेम प्रोसेस जो अभी किया था, बस वही प्रोसेस करते हुए हम दोबारा इसी तरह से बेसन की गांठें बना लेंगे इस तरह से। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, इसीलिए आप देख सकते हैं हम कितनी ज्यादा सब्जी बना रहे हैं। तो ये सब्जी हमारे यहाँ बच्चों को भी बहुत पसंद है, और किस चीज के साथ पसंद है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसी चीज के साथ आप बनाकर खाइएगा एक बार। देखिए सेम प्रोसेस कर लिया। अब ये जो बच गया है लास्ट में छानते हुए, उसको आप यूज कर सकते हैं अपना आटे का डो लगाने में। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है हमारा सारा। तो ये ले लेंगे अपनी एक पैन, अपना कढ़ाई। देखिए ये हमारी आयरन की कढ़ाई है, तो इस समय बरसात का टाइम है तो आयरन की कढ़ाई थोड़ा सा खराब हो गई है, काली पड़ जाती है। साफ कर देते हैं लेकिन फिर भी काली पड़ जाती है। तो उसी तरह से देखिए, अब इसे इसमें हमने डाल दिया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाला है, क्योंकि सब्जी वगैरह हम जल्दी मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से हो जाने देंगे, गर्म हो जाने देंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल गर्म करना बहुत जरूरी है, ये सभी को पता है। ये देख सकते हैं, तो देखिए इसमें धुआं निकलने लगा है लगभग। तो अब इस पैन में हम डाल देंगे हींग, और अब हम डाल देंगे इसमें अपनी बनाई हुई जो सब्जी रखी थी, बेसन की बूंदी भी कह सकते हो आप, फ्राई नहीं है बस इतना ही। तो इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसका नाम हम लास्ट में बताएंगे कि ये कौन सी सब्जी है। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए इसको हम फ्राई करेंगे। अब इतना फ्राई करना है इसको कि ये अच्छे से धीमी धीमी फ्लेम पर इसे पकाना है, गोल्डन ब्राउन करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गाइस, इस तरह से हम अच्छे से पका लेंगे, चलाते हुए पकाना है। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगता है टाइम इस सब्जी में बनाने में। तो ये देखिए अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, पास से दिखा रहे हैं आपको। तो बस अब इसे निकाल कर हम एक उसी थाली में रख लेंगे जिसमें हमने बना करके रखी थी, कुछ झंझट नहीं है। अभी देखिए, अब बस ये समझ लीजिए आपकी सब्जी बन गई, बहुत ईजी था मैथड। फिर से हमने डाल दिया ऑयल, तो देखिए 2 बड़े स्पून हमने ऑयल डाला हुआ है। ये देखिए अब इसको हम गर्म कर लेंगे अच्छे से, फिर वही कि धुआं निकलने तक पकाना है इसको, तेल को, ऑयल को। तो उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे ये भी देख सकते हैं। देखिए, तो ये देखिए गाइस हमारा ऑयल हो चुका है। अब इसमें जीरा डाल देंगे 1 स्पून, और अब डाल देंगे हम इसमें हींग। हींग की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि वैसे भी बेसन की सब्जी में हींग की क्वांटिटी रहती है। तो ये देखिए गाइस हमने ले लिया है जो पीस के रखा था प्याज और लहसुन का पेस्ट, वो भी डाल देंगे। ऐसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से, गोल्डन गोल्डन फ्राई करना है हमको इसको। ये देख सकते हैं इस तरह से करते हुए गोल्डन फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस बहुत अच्छे से फ्राई करना है मसाले को। तो देखिए मसाला हमारा लगभग फ्राई होने लगा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, कुछ ड्राई मसाले भी ऐड करने हैं, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक से मसाले हैं ड्राई। तो आप ये देख ही सकते हैं कि कितने बेसिक से मसालों से बन करके तैयार हो जाएगी हमारी ये रेसिपी। तो ये देखिए ऑयल निकलने लगा है लगभग, आप देख ही सकते हैं। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 से 1.5 स्पून, तो ये डाल दिया हमने 1 स्पून। और अब हम डाल देंगे अपने धनिया पाउडर, तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें थोड़ा सा, 1/2 स्पून, और 1 स्पून धनिया पाउडर। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होगा ना कि हमने टमाटर तो इसमें ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो क्यों ना हम इसमें कश्मीरी, देखिए टमाटर का कलर लाने के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। तो आप कुछ नहीं करना, सेम अपना ले लेना है थोड़ा सा पानी, तो उसको डाल देंगे जिससे मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं, जले नहीं, अच्छे से टेस्ट निकल कर आए। तो ये देखिए अब इसमें डाल देंगे मिर्ची,
क्योंकि मिर्ची अगर हमने पहले डाल दी होती तो थोड़ा सा भस लग सकती थी, यानी पकते पकते मिर्ची बहुत जल्दी झाग छोड़ने लगती है, इसलिए मिर्ची बाद में डाली है। अब इसे अच्छे से पका लेंगे सारे मसालों को ऑयल छोड़ने तक। जब तक ऑयल ना ये छोड़ दें तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए ऑयल अच्छे से दिखने लगा है, बढ़िया से निकल आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम पानी ले लेंगे। तो ये देखिए वही कटोरी थी जिसे हमने बेसन में छींटे लगाए थे, तो इसी वजह से ये हल्का सा व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा हो। तो पानी आप अपने हिसाब से ले लें, हमने ले लिया है डेढ़ बाउल पानी अच्छे से। ये देखिए अब चलाते हुए मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अब एक बाउल और ले लेंगे, यानी टोटल हमने ढाई बाउल पानी लिया है, क्योंकि हमने सब्जी थोड़ी सी ज्यादा बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। अब देख सकते हैं आप, इसमें हम कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इस पानी को पकाएंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार और इसे हम पका लेंगे। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि टमाटर नहीं ऐड किए हैं तो खट्टा कहाँ से होगा थोड़ा सा, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। हमारे पास घर का ही बना हुआ था इसलिए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा अच्छे से बॉयल होने लगा है, बिल्कुल बढ़िया से। ये देखिए तो बस अब इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे करीब 5 मिनट के लिए। तब तक चलिए चावल बना लेते हैं, जो कि सब्जी के साथ बहुत 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 टेस्टी लगते हैं। तो ये अपने राइस ले लिए अपने हिसाब से, अब इन्हें अच्छे से धुल लेंगे। पहले अपनी सब्जी में जो बना करके रखी थी सब्जी, इसको डाल देंगे। ये देखिए अब ये सब्जी को हम अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से मतलब ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। 2 से 3 मिनट बाद आप इसे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से पकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए अगर आपने प्रॉपर, एक बात और है, फ्राई करने करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि धीमी फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी। अगर आज जरा सा भी अगर आपने फ्राई करने में कर दिया कमी, तो क्या होगा, ये सारा का सारा ग्रेवी में जाते ही मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल एकदम लपसी जैसी बन जाएगी, मतलब आटे का घोल जैसा बन जाएगा बेसन का, तो वो नहीं बनना है। इसलिए हमने कहा अभी हमने राइस धुल लिए अच्छे से, अब राइस को बनाएंगे। देखिए ये खिले खिले राइस कैसे बने, उसके लिए हमको करना क्या है, ये देखिए धुल लिए हैं राइस को अपने। और अब देखिए इसमें नाइट, देखिए इसके साथ राइस बहुत अच्छे लगते हैं, इस सब्जी के साथ बहुत 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 ज्यादा अच्छे राइस लगते हैं। ये देखिए हमें पानी डाल देना है, तो पानी का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि इस समय गर्मियां हैं तो पानी ज्यादा लगता है राइस में, तो पानी डाल दें। उसके बाद ध्यान ये रखना है कि आपके राइस में पानी कितना होना चाहिए, चावल के एक अंगुल ऊपर होना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप ऊपर कर देंगे ना, तो आपके राइस बिल्कुल गीले चिपचिपे से बनेंगे, वो कि अच्छे नहीं लगते खाने में। एक ट्रिक और है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। देखिए चाहे रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए, चाहे घी डाल दीजिए, तो हमने घी डाला हुआ है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल डाल दें, चाहे घी डाल दें, मतलब ऐसा ऐसी ऐसा डालना है चीज जो कि आपके राइस को बिल्कुल महक ना दे, स्मेल ना दे, उसको कोई फ्लेवर ना हो, इस तरह से। तो ये देखिए अब हमने सब्जी अपनी निकाल कर रख ली है, इसको हम करेंगे सर्व। ये देख सकते हैं आप, कलर देख सकते हैं सब्जी का और टेक्सचर देख सकते हैं। कोई कह सकता है कि ये बिना सब्जी बिना टमाटर की बनी हुई है, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए तो चलिए अब इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला और डाल देंगे गरम मसाला। अब देखिए गाइस मिक्स कर देंगे इसको, बस कुछ नहीं करना है, और उसके बाद हम अपना सर्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं, तो पहले तो एक बात और ध्यान रखें कि आपको सब्जी को बनाने के बाद में तुरंत आप कढ़ाई से खाली कर लें, क्योंकि इस समय बरसात का टाइम है। अगर आयरन की कढ़ाई है तो ये आपका जो आयरन की कढ़ाई होती है ना, वो थोड़ा सा, देखिए अगर आप आयरन की कढ़ाई से जल्दी से सब्जी सर्व नहीं करते हैं, तो क्या होता है ना, वो आयरन जो जंग लगती है हमारी कढ़ाई वगैरह में, तो वो इसमें आ जाती है, जिसको शायद बोलते हैं कि हमारी सब्जी लोहा जाती है, इस वजह से इसको हमें हटाना होता है। ठीक है, चलिए राइस देख लेते हैं हमारे राइस कैसे खिले खिले बने हैं या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, राइस हमने तुरंत खोल दिए हैं। एक विसल लगाने के बाद, देखिए विसल को एक ही विसल लगाना है आपको, इस एक से ज्यादा नहीं लगाना। तो देखिए अभी आपको चिपके चिपके से लग रहे होंगे, क्योंकि तुरंत हमने खोले हुए हैं, बनने के बाद तुरंत खोल दिए थे राइस को। अगर आप चाहते हैं कि मतलब बढ़िया खिले खिले रहें, तो बस इस तरह से चला दीजिए राइस को, और देखिए आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे राइस ठंडे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे राइस खुलते जा रहे हैं आपस से। ये देखिए कितना यम्मी टेस्टी से राइस बनते हैं हमारे। ये देखिए एक बार और गाइस याद दिला दें, अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा
कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए चावल चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए बाउल में भर कर बस इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे और अपने बाउल में परस देंगे सब्जी। तो ये हमारी सब्जी चावल बन करके रेडी हो गए हैं, जो कि बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगते हैं खाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर एक बार प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।